हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। राहुल, ऋतिका, ठीक है ना, मनमोहन, अंकित, आकाश, ऋतिका, ठीक है ना, भावेंद्र, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सब बच्चों को। चल रहा है, ठीक है ना, मेरी आवाज क्लियर आ रही बच्चों? पहले ये बताओ, हेलो कैलाश, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना बच्चों, आवाज मेरी क्लियर आ रही कि नहीं? जल्दी से फिर हम स्टार्ट करें टॉपिक। यस मनमोहन, ठीक है। महावीर, गुड मॉर्निंग, देखो बच्चों कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, यस गुड मॉर्निंग, ठीक है ना, सो गुड मॉर्निंग सब बच्चों को, गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। देखो बच्चों, कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। राहुल, गुड मॉर्निंग, विक्रांत, गुड मॉर्निंग, ठीक है। देखो बच्चों, अब आज हम थोड़ा सा कल वाली प्रॉब्लम, सबको क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि आज मैं और अच्छी प्रॉब्लम लेने वाला हूँ, उससे भी अच्छी कल जो मैंने डिस्कस की थी, ठीक है ना। थोड़ा सा और क्वेश्चन में क्या कर सकता है कनिष्का, ठीक है। इधर देखो प्रॉब्लम हम नोट करते हैं, ठीक है। ए पार्टिकल ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ इवन, ये मान लीजिए उसका टोटल ट्रैवलिंग लेंथ है ए और बी फाइन, और इस लेंथ को हम लोग, ठीक है ना, इसको लेंथ को टूलेस कह लें, ये वाली टूलेस लेंथ है, यहाँ पे टूलेस में से हाफ लेंथ, हाफ लेंथ आप हो गया सी, ए सी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है एस। ये हाफ लेंथ जो ट्रेवल करता है बच्चों, वो स्पीड दी हुई है बी वन, क्या कहता है, इन द लेंथ ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड वन थर्ड है। इधर देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम चेंज कर दी कि जो ये रिमेनिंग सी बी है वो एस बची हुई, ठीक है ना, टाइम इक्वल टू हम ले रहे हैं टी, तो इसका वन थर्ड टाइम टी दिया नहीं है, इसके वन थर्ड टी बाय थ्री टाइम में ये ट्रेवल करता है बी टू स्पीड से, इस टाइम में इंटरवल में किस स्पीड से जाता है, बी टू से, और रिमेनिंग टू थर्ड टाइम में ये बी थ्री से कवर करता है। अब यहाँ कैलकुलेट करना है फाइंड द एवरेज स्पीड कि जेई मेंस में किस लेवल का प्रॉब्लम जा सके, मैक्सिमम ये पार्ट कि इसका भी वेरिएशन कर दिया बी वन से और इस पे टाइम भी इन्वॉल्व कर दिया, मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो सब बच्चों पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन देखो, फिर से क्वेश्चन सुनो कि टोटल पाथ लेंथ ए बी है, ए बी हमने सपोज कर लिया टू ईयर्स, ए गिवन नहीं है, ठीक है ना, बस ये टोटल उसने कहा टोटल डिस्टेंस आप मतलब गिवन है, ध्यान रखना, क्योंकि हमारा आंसर बच्चों गिवन क्वांटिटी के टर्म में ही आना चाहिए। मनमोहन, हाँ रिपीट करें, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल फ्री माइंड से सोचो, मैं क्वेश्चन फिर से आपको समझा रहा हूँ। मनमोहन, हम ये कह रहे हैं कि ए से बी जाना है, बी की जितनी डिस्टेंस है सपोज करो 200 किलोमीटर जाना है उसको,
तो 200 किलोमीटर में कंडीशन उसने लगाई। फर्स्ट 100 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो B1 से कवर होता है, मतलब इस स्पीड से आप कांस्टेंट स्पीड से चलोगे, ठीक है ना, और ये फर्स्ट वाला हाफ डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है मनु। अब नेक्स्ट हाफ इधर देखो, नेक्स्ट हाफ में जो टाइम लगेगा, अब इसमें डिस्टेंस का इशू, डिस्टेंस तो यस है ही, लेकिन डिस्टेंस का इशू नहीं है इसमें, क्वेश्चन का ये है कि जो इसमें टाइम लगेगा, सपोज करो ये 100 किलोमीटर को चलने में 3 आवर्स लगते हैं, कुछ ऐसा रोड हो, ठीक है ना, तो 3 आवर्स में 1 आवर उसका 1/3 टाइम है, वो अपनी स्पीड रखता है, और फिर 2/3 के लिए ये V3 यहाँ से स्पीड रखता है, तब ये डिस्टेंस, ठीक है ना। तो हमें ऐसे केस की एवरेज स्पीड विक्रांत हमको बतानी है। विक्रांत और महावीर, मेरी बात समझ में आई? क्वेश्चन क्लियर हुआ? हेलो, जल्दी से बोलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ तो मैं सॉल्यूशन आपको बताऊं कैसे अप्रोच करेंगे। बहुत सिंपल अप्रोच बताता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे आप अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन सबको क्लियर है? जिसको क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है ना, वो पहले बोल दें। हेलो बच्चों, हेलो, आवाज नहीं पहुंच रही क्या मेरी? मनमोहन जी का क्वेश्चन क्लियर, कैलाश क्लियर है? चलिए आप देखो, अप्रोच आपको बता, जैसे हम सोचना शुरू करते हैं, दिमाग लगाते हैं तुम्हारे सामने बोर्ड पे, वैसे ही आप यहाँ पे कनिष्का इधर देखो क्या कह रहे हैं, अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो मैंने क्या फार्मूला आपको लिखाया, बस उसी पे जाना है। हमने फार्मूला लिखाया बी एवरेज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम देखो, इसका टाइम हम अगर T1 मान लें, एसी का टाइम ए टू सी कवर करने का T1 है, और देखो CB का मैंने T मान लिया है टू कवर, CB डिस्टेंस टू कवर टाइम T, तो ये T। एक स्टेप, पहली स्टेप, ठीक है, आकाश अभी चेक कर लें, लेकिन एस के फॉर्म में आंसर नहीं आएगा बच्चे, यस दिया नहीं है। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन में जो गिवन क्वांटिटी है बच्चे, ये गिवन क्वांटिटी एक गिवन है, और ये मैं ब्लू से टिक कर देता हूं, ये गिवन है, बिल्कुल है, फाइनल आंसर में सिर्फ यही क्वांटिटी आएंगी, बिल्कुल डिफरेंट है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है फाइनल आंसर में वही क्वांटिटी रहेगी, इधर उधर की क्वांटिटी नहीं आएगी। तो बच्चे देखो यहाँ पे B1, B2, B3 के टर्म में आंसर आना चाहिए। चलिए जो भी आंसर निकलेगा हम देखेंगे। हमारा पहला स्टेप होता है बी एवरेज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला हमारे पास है, और ये टाइम T1 + T2। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हुआ होगा, आई होप सो, ठीक है ना, जो डाउट हो बता देना। अब इधर बच्चों देखो, अब इनके रिलेशन क्या, अब इनको हम P1 और S1 को, S को रिलेट करें, तो कल हमने मनमोहन तुमको बताया था अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जाती है तो पहले बार P1 और S बाय P1 देखो सब बच्चों, पहला पार्ट मैंने T1 निकाल लिया, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप इधर देखो, ये टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम यहाँ पे देखो T/3 टाइम में B2 से जाता है, और 2T/3 में B3 से जाता है, B2 ये डिस्टेंस इस टाइम की होगी, और इसमें बच्चे देखो यहाँ पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2/3 × B3 =
इन दोनों जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की ये वाली और जो इस टाइम में ट्रेवल की ये डिस्टेंस, इन दोनों का सम ये फिर से मैंने बच्चे हाँ ये अभी रीति काम चेक करते हैं आपका B2 divided by B1 plus B2, लेकिन B3 टर्म नहीं आ रहा तुम्हारे में रितिका, ठीक है ना, B3 भी तो आना चाहिए। इधर देखो अब यहाँ तक आ गया, ये स्टेप बिल्कुल क्लियर हुई सब बच्चों को। तो यहाँ तक देखो बच्चों, T कॉमन ले लो, T by 3 by की कॉमन ले लिया हमने, T by 3 कॉमन ले लिया, B2 plus 2B this equal to S, तो T निकल आया हमारे पास कितना आ गया 3s वाला b2 plus b2 ये बच्चे आ गए। यहां से हमने ये टाइम निकाल लिया। अब यहां से देखो क्वेश्चन में ये हमें निकालना है, t1 मेरा पता है, t पता बस ये हार गए, तो यहां देखो बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास आंसर b average इक्वल टोटल टू प्लस टी वन की वैल्यू देखो एस वाई बी वन प्लस थ्री एस वाई बी टू प्लस बी थ्री टू बी थ्री। इधर देखो बच्चे एस से एस देखो कैंसिल काम नहीं है, इसमें एलसीएम ले लो टू, यहाँ एलसीएम आ जाएगा बी वन बी टू प्लस टू बी थ्री और यहाँ बच्चे आ जाएगा b2 plus 2b3 और ये देखो बच्चे आ जाएगा 3b1 और ये ऊपर पहुंच जाएगा b average। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा b average equal 2b1 b2 plus 2b3 divided by 3b1 plus 2b3 plus b2। Yes, plus B2, बिल्कुल सही रितिका, ठीक है ना, ये आंसर आएगा। ये क्या कर दिया भाई, ठीक है ना, ये कौन है, कौन सी इंग्लिश में लिखा है कि फ्रांस लिखी है, क्या लिखी है, हेलो ये बच्चा कौन है। देखो बच्चे मनमोहन फिर से बताओ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, किस तरीके से क्वेश्चन को सोचना शुरू करेंगे। पहले मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ और फिर जिसको क्लियर नहीं, ये क्या लिख रहे हो आप, ये क्या नाम है भाई बच्चे आपका, ठीक है ना, ब्लैक साइन के साथ आ रहा है। देखो ये जापानी से रितिका, पता नहीं भाई जापानी है तो समझ में आती नहीं जापानी, ठीक है ना, आप लोग समझिए। देखो रितिका यहाँ पे फिर से मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, फिर से देखो जी, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हो, हम ये कह रहे हैं कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, क्वेश्चन को रीड करना आप लोगों का काम है, पहले केयरफुली फिजिक्स के क्वेश्चन को रीड करें और रीड करने के बाद बच्चे पहला स्टेप ये होता है क्या फाइंड करना। तो मैंने लिखा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम इसका t1 मान लिया, इसका t2 मान लिया या t मान लिया, तो t1 प्लस ये हमारी पहली स्टेप रही। अब पहली स्टेप के बाद बच्चे फिर हमें ये करना है फर्स्ट स्टेप के बाद कि एस गिवन नहीं है, टी वन गिवन नहीं है, टी गिवन नहीं है, हमें गिवन है बी वन बी टू बी थ्री, मतलब हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है बच्चे बी वन बी टू बी थ्री, इसमें कन्वर्ट करना, ये सोचना मेरा दिमाग लगाना है यहाँ पे। कन्वर्ट करने के लिए देखो मनमोहन पहला स्टेप, पहले टी वन को ये मेरा बी वन से जा रहा है, तो b1 into t1 is equal to s, ये इक्वेशन हमारे पास t1 दिखा है s और b1 में,
फिर दूसरा स्टेप हमारा ये है कि अब इसमें नहीं नॉर्मल रहा बिल्कुल से, इसमें ये कह रहा है कि जो टोटल टाइम लगा तो टोटल टाइम टी है, तो टी टाइम है डिस्टेंस एस, तो यहाँ देखो टी और एस में रिलेशन नहीं है, तो उसने ये कंडीशन दी फर्स्ट टी बाई थ्री टाइम में बी टू मास्टर डी से जाता है, तो पहले में टाइम टी थ्री बाई टी बाई थ्री इंटू बी टू ये कुछ डिस्टेंस चला, फिर दूसरे टाइम इंटरवल में टू टी बाई थ्री डिस्टेंस कैसे निकालोगे स्पीड इंटू टाइम कॉन्स्टेंट स्पीड एवरेज स्पीड, तो बी थ्री इंटू दिस ये वाली स्टेप हमारे पास आ गई, और इन दोनों डिस्टेंस का सम ये ऐसे ये कर देते यहाँ से टी निकालते। अब आपको बच्चे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है ना करते ना, यस यस देखो कैंसिल हो गए अपने आप आंसर आ गया। ये मैंने अननोन में बताया, अननोन में इसलिए बताया बच्चे क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो अगर यहाँ पे बी वन बी टू बी थ्री इस तरीके से गिवन भी होते तो डायरेक्ट आप बी वन बी टू बी थ्री की वैल्यू भी रख दोगे न्यूमेरिकल वैल्यू, ये रिजल्ट है तो भी इसलिए मैंने इस तरीके से। तो आप बताओ, अच्छा अच्छा साउंड क्लियर नहीं है, कैसी आवाज आ रही, फैन की थोड़ी बहुत आवाज आ रही होगी कि और कुछ, ये क्या बोल रहे लड़के जे लड़की जैसी आवाज आ रही सर, ऐसे तो नहीं है, हैं? हेलो देखो थोड़ा सा साउंड ये प्रॉब्लम हो सकता है कि फैन चल रहा है तो फैन की वजह से, रितिका क्लियर है तो फिर ये ठीक है ना, मनमान क्लियर है ठीक है, तो देखो भाई आप में से ही कोई है ऐसा, हेलो हेलो ये बच्चों देखो ये कौन बच्चा है ठीक है, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, तो कोई डाउट हो इस प्रॉब्लम में मनमोहन वगैरह बताओ, क्लियर है सबको कोई डाउट, ठीक है चलिए बकवास करने दीजिए, रितिका देखिए कब तक बकवास करेगा ये, कल से क्लास में नहीं आएगा, फिर इस तरीके से बात करेगा तो क्लास में कल से प्रेजेंट नहीं रहेगा ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं बच्चों कि अब हमने ये तीनों केस ले लिए हैं कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालने का ठीक है ना, ये केस हमने कंसीडर किया, इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो आप कर सकते हैं, इस तरीके से कोई दिक्कत आती है ठीक है ना वो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो भी है प्रॉब्लम आप उसको भेजिए ठीक है ना, हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, और कल मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इधर वाला पार्ट आप सभी लोग करके कंप्लीट फेयर कॉपी में करेंगे, जो भी डाउट रह जाता है कल मैं पूरा एक्सरसाइज आपको डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज आपको सेंड की थी ठीक है ना, कल उसका डिस्कशन होगा, मैं आपकी डिफिकल्टी देखूंगा कि आपको प्रॉब्लम हैंडल करने में क्या डिफिकल्टी आ रही है। हाँ भावेंद्र यही कह रहे हैं ये गलत मैसेज भेज रहा है कुछ ठीक है ना, इसको बोलना पड़ेगा अभी, इसको इसके नंबर को ब्लॉक करना पड़ेगा इस तरीके से बच्चों को ठीक है ना। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन अब अभी तक बच्चों हमने डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की और
कांस्टेंट स्पीड की बात की। अब हम कांस्टेंट से आगे आते हैं, ठीक है। जो दूसरे रिजका हम ये कह रहे हैं, जो दूसरे चैप्टर का टिपिकल क्वेश्चन होगा असाइनमेंट में, ठीक है ना बच्चे, वो जैसे वेव का क्वेश्चन किसी ने कहा था कि ये वेव का है, तो छोड़ देना, उसका फार्मूला नहीं पता है वो छोड़ देना आप, ठीक है ना। वो चैप्टर उस चैप्टर से रिलेटेड जब चैप्टर पढ़ा देंगे तो फार्मूला क्लियर हो जाएगा, तब आपको सॉल्व हो जाएगा। और कुछ ऐसे होंगे जो आप सॉल्व कर सकते हैं, उनको मैं कल सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना नितिका, उसका डाउट नहीं है। कल जो भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व करा देंगे। देखो क्वेश्चन आप मोशन में, तो अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन टर्म की। अभी तक हमने एक्सीलरेशन की बात नहीं की थी, जितना भी पार्ट मैंने पढ़ा अभी तक बच्चों, सिर्फ बात की थी वेलोसिटी कांस्टेंट की। कांस्टेंट वेलोसिटी पर डिस्कशन था, एवरेज हो या एवरेज वेलोसिटी हो या एवरेज स्पीड हो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो ये थर्ड टर्म है इक्वेशन ऑफ मोशन में, सबसे पहले एक्सीलरेशन की बात। तो बच्चे देखो एक्सीलरेशन, क्योंकि ये फंडामेंटल टर्म है, एक्सीलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सीलरेशन होता क्या, ये तो डेफिनेशन सब लोग जानते हैं, रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, ये सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली समझिए जरा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं इसको, एक्सीलरेशन को, कि जैसे आपने व्हीकल स्टार्ट किया, स्कूटी है बाइक है, तो आप व्हीकल जब स्टार्ट करते हैं तो ये कहते हैं कि स्टार्ट किया, फिर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटर, ठीक है ना, उसको हमने किया, एक्सीलरेट किया। तो जब एक्सीलरेट किया, एक्सीलरेटर लिया, एक्सीलरेटर लेने का मतलब होता है कि जो व्हील का, जिसमें आपका पावर सप्लाई हो रहा है, जिस व्हील में दो में से सप्लाई होती है बच्चे, ठीक है ना, उसमें उस व्हील को आपने एक्सीलरेट किया। एक्सीलरेट मतलब उसका रोटेशन स्टार्ट किया, बात समझ मारी बच्चे। अब रोटेशन की तरफ मूव करता है, ये आपको आइडिया है। इसका मतलब एक्सीलरेशन जो टर्म है वो आप प्रोवाइड करते हैं, मतलब फोर्स लगेगा तो एक्सीलरेशन आएगा। तो आपने कौन सा फोर्स दिया उस व्हील को, जब एक्सीलरेटर लिया, गियर लगा के एक्सीलरेट किया, तो उस व्हील को देखो ऐसे, उस व्हील को ऐसे रोलिंग की टेंडेंसी आई, और जब ये टेंडेंसी आ रही है ऐसे रोल करेगा कैसे, यहाँ देखो ये ऐसे ग्राउंड पे इसको पावर दिया आपने, यहाँ पे समझिए आप, ये व्हील है। अब ये व्हील का मान लीजिए स्कूटी है, पीछे वाला पहिया है, रेयर व्हील की बात कर रहे हैं, तो ये रेयर व्हील है, रेयर व्हील में जब आपने ये पावर दिया बच्चे, तो ये ऐसे आया, ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, कोशिश करेगा कि ये जो ग्राउंड है आपका, ग्राउंड पे ये पॉइंट इधर स्लिप करने की कोशिश करेगा, तो ग्राउंड इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी आगे की तरफ, ऐसे तो ऐसे फोर्स लगा देगी, इसलिए ये व्हील आगे चला जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब बच्चे ये है कि जब आप एक्सीलरेटर का नाम लें, एक्सीलरेटर का मतलब होता है, उसका फंक्शन होता है कि उस व्हीकल में वो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब फंडामेंटल टर्म है कि अगर मैं उस गाड़ी में, व्हीकल में एक्सीलरेशन नहीं देंगे, एक्सीलरेटर अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो व्हीकल आपका आगे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक एक्सीलरेटर नहीं होगा तब तक वेलोसिटी गेन नहीं होगी। इसका मतलब सबसे पहला टर्म है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से ही व्हीकल में वेलोसिटी डेवलप होती है। तो इसको मेजर कैसे करते हैं, अब इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आएगी। अब हमने क्या कहा, एक्सीलरेशन रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ वेलोसिटी
is called acceleration. ये हमारे एक्सीलरेशन के डेफिनेशन है कि हमने ये देखा कि हमने कितना एक्सीलरेशन बच्चे उसमें अप्लाई किया, तो वो हमको कैसे आइडिया लगा वहाँ पे कि जो उसकी वेलोसिटी आपने देखी, वेलोसिटी में क्या चेंज आया। इधर देखो इसकी वेलोसिटी व्हील की जीरो थी, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी भी मान लीजिए 10 आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड आ गई और इसको टाइम देना 2 सेकेंड, तो आपका एक्सीलरेशन होता है a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमारे पास एक्सीलरेशन की डेफिनेशन यहाँ से निकलती है कि जो मैंने प्रैक्टिकली देखो, मैं फिजिक्स आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो फिजिक्स में प्रैक्टिकल क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी दिख रही है, क्योंकि व्हीकल चल रहा है तो आप क्या देख पा रहे हैं उस व्हीकल का मनमोहन, मेरी बात समझ मारे, मनमोहन महावीर अंकित जितने बच्चे हैं, बलवान सिंह ठीक है ना, इन सबका मैं नाम लेता हूँ ठीक है। और यहाँ ये पॉइंट समझना, यहाँ पे फिजिक्स क्या है, फिजिक्स अब ये कह रहे हैं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब उसको एक्सीलरेट कर दिया तो इसके बाद आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन है कि उस व्हीकल ने वेलोसिटी गेन की, वेलोसिटी आपको दिख रही है कि व्हीकल रोड पे चल रहा है और रोड पे जा रहा है तो वेलोसिटी में क्या चेंज आया, चेंज आया जीरो से उस वेलोसिटी तक कितने टाइम में आया है, तो उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दिया तो ये एक्सीलरेशन आ गया। तो यहाँ देखो दो पार्ट इसके, यहाँ पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, और एवरेज एक्सीलरेशन बच्चे जैसे आपने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी है वैसे ही एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। एवरेज एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, कि जितने टाइम इंटरवल में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है इसको बच्चे हम लोग कहते हैं एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है ना। मैथ की क्लास 9:45 से है ठीक है, मैथ का लिंक आ गया, बस हम इस बात को बस यहाँ पे अप्लाई करके खत्म कर रहे हैं। इधर देखो, इधर ए वेक्टर इक्वल टू बच्चे यहाँ पे ए वेक्टर चेंज वेलोसिटी, देखो अगर इनिशियल वेलोसिटी यू है टी इक्वल टू जीरो पे, वेलोसिटी हमारी यू है, और अगर t इक्वल टू t पे वेलोसिटी v हो जाती है तो देखो एवरेज एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगा v माइनस u बाय t। तो ये एवरेज एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ये टर्म कांस्टेंट है यहाँ पे, इसलिए क्या निकल आएगा v इक्वल टू u प्लस t, ये आपका रिजल्ट आ जाता है ठीक है ना। तो कल बाद के बाद इसको कल हम डिस्कस करेंगे, बस ये रिजल्ट है वेक्टर फॉर्म में है ठीक है। लिंक आ गया बच्चों, मैथ पढ़ो ठीक है, कल हम इसके आगे पार्ट डिस्कस।